ओए चार इकट्ठी करके फंसी हुई है, चार पतंगे इकट्ठी फंसी हुई है। हाँ क्या नाम है आपका? ये मेरे को कब से चाहिए थी, कब से। तेरे को ऐसे नहीं लगता गुड्डू? We don't deserve all this, like. Welcome aboard. मेजर गड़बड़ है भाई, मेजर। What's up guys, welcome back to the channel. आज मेजर पंगा होने वाला है। क्या है कि बरसात हो रही है, हमारे लिए पंगा हो गया कि हमने आज रखा हुआ मीटअप बर्लिंगटन में, लास्ट मिनट अगर प्लान चेंज करें तो भी पंगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अभी। कैंसिल कर दिया जाए प्लान, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। भाई टाइम अभी 10 बजे हैं और 11 बजे का मीटअप है, हो सकता है एक घंटे में बरसात बंद भी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो बारिश की वजह से कुछ लोग आज नहीं आ पाए, हो सकता है कुछ लोग तो आएंगे जो रस्ते में होंगे जिनको मैसेज नहीं मिलेगा पोस्टपोन का, तो हम तो चलते ही हैं वहाँ पे। प्लान को एज इज रखते हैं, जो लोग नहीं आ पाएंगे ठीक है, जन्मी नहीं आ पाएंगे बरसात की वजह से, फिर हम एक और टोरंटो साइड में कुछ और रख लेंगे। कैसा रहता है आज का मीटअप बरसात के बीचों बीच? आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर कि बरसात रुक जाए भाई, कुछ तो मजा आए लोगों से मिलने का, बातचीत करने का। Yeah, this is looking classy. ये सही लग रहा, आपने चूज किया? ये दोनों ही मैंने चूज किए हैं। ऐसा है, साक्षी क्लासी तो लग रही है, लेकिन अगर आप मीटअप पे आ रहे हो साक्षी से टाइम मत पूछ लेना गलती से भी। दिखा एक बार दिखाइयो, क्योंकि इसने एप्पल वॉच तो पहन ली जो मेरे से जबरदस्ती करवा के इसने, मेरे को एप्पल वॉच चाहिए, मेरे को एप्पल वॉच चाहिए। मैं कहा मैं दिला दूंगा तेरे को एप्पल वॉच, दिलाई है। एक साल में ना 365 दिन होते हैं, इसने 4 दिन से ज्यादा चार्ज नहीं करी होगी, देख रहे हो? मेरी चार्ज भी लगा दिया करो अपनी, लगाते जब 20% पे हिट होते ही अपनी चार्जर पे चली जाती है। और ओके ऐसा लग रहा है कि बरसात थोड़ी हल्की हो गई है, पूरी तरह रुकी नहीं है। 10:30 वी आर लीविंग राइट नाउ, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। हाँ जी पहुंच गए थे यहाँ पे, बरसात लकीली ऐसा अभी तो रुक गई है, आगे का पता नहीं क्या होगा, अभी तो बरसात रुक गई है भाई। आ गए रवीश जी, क्या हाल है जी, क्या हाल है? टाइम से वेट कराया इन्होंने मिलने का हम लोगों को। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू वेरी मच। सॉरी क्या हाल है? बहुत ज्यादा खुश हूं मैं सच में, एंड फाइनली आपने कनाडा में मीटअप किया, इट मींस अ लॉट टू मी। ओमकार, सॉरी ओमकार ना। ओह यार आप बहुत पतले लगते हो ऐसे तो, बहुत पतले लगते हो। लुक एट यू, कैमरा के पीछे। नहीं मैं बताता हूँ होता क्या है, देखो ये जो कैमरा होता है ना ये वाइड एंगल लेंस होता है, जो सेंटर में होता है वो ठीक दिखता है, जो एज पे हो जाता है ना दे वो स्ट्रेच हो जाता है वाइड एंगल में, जो कैमरा को होल्ड करता है एडवांटेज उसको होता है। नाइस टू सी यू, यू आर द स्टार, यू नो दैट। आप कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? इसको इतनी हिंदी आदत, एक हमारे फोन से भी ले लो। Hi, Mandeep. I feel like we know you so well through your yeah, videos. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mandeep. Hi, Ramesh. क्या नाम है आपका? Zen. Oh, he wants to give you huggy. Yeah. He is a hugger. He wants to give huggy to everyone. Oh my god. इसने मुझे देखा ना, मुझे देखे ना ऐसे यूं देख के स्माइल कर रहा है, इसको लग रहा होगा भी टीवी में देखा है। तीर्थ वेरी नाइस। तो अभी कहीं से तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं है ना, घर पे ही तीर्थ है। डोंट गो टू यूएस, प्लीज मत जाओ यूएस। आप जाओ यूएस, हम यूएस के व्लॉग देखेंगे आपके। You are a big boy. Rubik cube. Rubik cube. वो आज भी हमेशा जेब में ही लेके घूम रहा होता है, आज भी कर रहा है। चीकू. प्रत्यक्ष. तो समक्ष एंड प्रत्यक्ष. बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का कि चीकू का रियल नेम क्या है? चीकू का रियल नेम है प्रत्यक्ष. टाइमिंग बन जाए ना तो दो बच्चों से वो करण अर्जुन वाली फीलिंग आ जाएगी, समक्ष प्रत्यक्ष. ये तो यूएसए ही बड़ी रेवलेशन है, आपने फाइनली कर दिया. देखो क्या होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं क्रिएटर्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक चीज़ के भूखे होते हैं, तो आपको प्यार मिलता है, थोड़ी रिकॉग्निशन मिलती है,
आपकी कम्युनिटी बनती है उसी चीज के होता है सब सारा, दिस इज ऑल दैट इज यू नो। तो जी हार्दिक जी केक लेकर आए हैं कट करने के लिए, जो हाँ जो जिनके बच्चे हैं या वो अपने आप को खुद बच्चा समझते हैं वो आ जाओ केक कट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, से हैप्पी समर 2023। फर्स्ट मीटअप इन कनाडा। क्या बोलती हैं आपकी टीचर, क्या बोलती हैं? Play in rhythm, play for blocks. Play football. म्यूजिक सिलेक्शन, आई गो मैड। मैं ना इसको हर बार बोलता हूँ, अच्छा म्यूजिक सुन, म्यूजिक सुन, क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो था, ये है मेरी रेगुलर सैलरी और ये है मेरी यूट्यूब वाली इनकम। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा दूसरा जिसमें आप यूएस का बात कर रहे थे, हो सकता है मैंने बनाया हो वो। पहली जैसे स्टोरी बताते हो ना आप, पहले फोटो ले रहे थे तो सब लोग चिल्लाने लग गए ये सोच के कि वीडियो हो रही है, वीडियो हो रही है, आप चिल्लाओ भाई सब। कह रहे पापा ने बताया, मैं कहा मम्मी पापा कबड्डी खेलते हैं क्या? अभी तो वैसे बहुत सारे लोग चले गए हैं यहाँ से, बट जो लोग मीटअप पे आए हैं दे आर गेटिंग अ सीक्रेट जो आगे अभी अब किसी को पता नहीं है। तो मीटअप पे आने का कुछ फायदा तो हुआ है नहीं? तो अगले मीटअप पे जरूर आना और एंड तक रुकना, क्योंकि जो लोग पहले चले गए हैं उनको कुछ नहीं पता चला। वैसे ना हम बचते हैं, बिल्कुल नहीं बचना, ये हमारा प्यार है, ये इतना भारी है चार पांच लोग। मैं कैमरा ले लेती हूं। इसका कहना है कि मैं इसको वीडियो में मोटी बना देता हूँ। आपने मुझे देखा, अब लेना एक बार जैसे आप शॉट लेते हो, हाँ। अब इस शॉट में देखना मेरे को, देखो मैं मोटी लगूंगी, क्योंकि ये होती है कॉर्नर में। आप सिर्फ हमारे नहीं, आपसे हमारे दुबई वाले में नहीं आए, गलत बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, साल हो गया मिले हुए। प्रीत इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, ये आए हुए थे मीटअप पे, नाउ ही इज टेकिंग एवरीबॉडीज पोर्ट्रेट्स। पूरा अपना लाइट वाइट लगा दिए यहाँ पे, मस्त मजे हो रहे हैं भाई सबके। ओ ना बहुत मिलना चाहते थे, मैंने कहा आंटी आप बताते हैं, हम पक्का आते मिलने। यार मतलब इतना आज हम इमोशनली टच्ड फील कर रहे हैं ना, इतने लोगों से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। अभी साक्षी मुझे बात बता रही है बाद में, मुझे उस टाइम एक आंटी जी आए हुए थे, अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड के लास्ट ईयर गुजर गए थे वो, तो बता रहे थे कि उनका बहुत मन था तुमसे मिलने का, और इवन वो जब आईसीयू में दाखिल थे तो वो कहते थे कि रवीश की वीडियो लगा दे यार। मतलब ऐसी चीजें सुन के ना, मतलब ऐसे रोने का भी मन करता ना, सो हम्बल फील करते ना ऐसे। मतलब और आंटी भी इमोशनल हो रहे थे, उनकी बेटी भी इमोशनल हो रही थी, मेरे को भी लग रहा था, बट आई मीन मतलब इतना प्यार मिले तो आप क्या, वर्ड्स नहीं होते जब इतना कोई प्यार करता है ना, तो भी वर्ड्स नहीं होते कुछ कहने को। बट बहुत ही अच्छा लगा गाइस, जो लोग आ पाए यहाँ पे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, जो नहीं आ पाए आई नो मौसम ख़राब था, बट एक्चुअली लकीली क्या हुआ, जितनी भी देर हम थे, बरसात ऐसी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हुई होगी एक दो बार, लेकिन ज़्यादा बरसात हुई नहीं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। समर धूप होती ना बिल्कुल, हाँ ऐसे काइंड ऑफ, हाँ धूप में भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती क्योंकि शेड वेड था नहीं कोई। अभी ना हमारे को यहाँ पे कोई मिला था, वो बता रहे थे कि यहाँ पे पतंग फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल लगा हुआ है उत्तरायण, सो वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ। पतंग और हम ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी फेवरेट है, तो वी आर जस्ट गोना गो टू दैट पतंग काइट फेस्टिवल, वो वहाँ मिल जाएगी। वो कह रहे थे मेरे का भी, मेरे पास पतंग पतंग नहीं है, कह रहे वहाँ मिल जाएगी। हाउ वाज इट? ये तो बड़े लग रहे हैं, ये टीनेजर्स लग रहे हैं और वो भी छोटे छोटे किड्स हैं। दादा, दादी मम्मी पापा नानी, हाँ पूरी फैमिली है इनकी। और पता है क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे 11 बजे आए थे, ठीक है, अभी 2:15 हो चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई है, ये पीछे यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है ताकि आपको यहाँ चलान ना मिले। 3 घंटे से हमारी गाड़ी यहाँ पार्क है और वी टोटली फॉरगॉट
कि हमने पार्किंग टिकट भी लेनी है। नीड अ कॉफी, नीड अ कॉफी, नीड अ कॉफी, नीड अ कॉफी। बढ़िया लग रहा है आज। काई पोचे, काई पोचे। मैं भाई बचपन में इतनी डांट और मार भी खाई है ना इसके चक्कर में पतंग। मेरे को क्रेज था दो चीज़ों का, क्रिकेट खेलने का। धूप में ना मैं क्रिकेट खेलता था 40 डिग्री के अंदर और पतंग उड़ाता था। इतनी डांट पड़ती थी, बीमार हो जाएगा, पढ़ाई कर लो, ये वो भाई। लेकिन मैंने पतंग उड़ानी नहीं छोड़ी जिंदगी भर, ये यहाँ आके छोड़ी मैंने पतंग उड़ानी। जब आप लड़के लोग पतंग उड़ाते थे, हम पींग डालते थे। मैं सारा दिन झूले पे बैठी रहती थी, मैं खाना भी झूले पे खाती थी और पढ़ाई भी झूले पे, सब झूले पे। मम्मी कहती थी बस। और रात को जब मैं सोते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि सब हिल रहा है। हम लोग पहुंच गए इस जगह पे, दिस इज ब्रांट हिल्स पार्क इन बर्लिंगटन। बट बिफोर वी कैन इवन थिंक अबाउट गोइंग देयर टू फ्लाई द काइट, बच्चों को ब्राइब रिश्वत देनी पड़ेगी। उनको दिखे आइसक्रीम ट्रक दे, लाइक क्या आइसक्रीम ट्रक नहीं लेके दे रहे ना, हम नहीं जा रहे उनको आइसक्रीम का। वो कहाँ रह गया? नैपकिंस तो लार्ज ही से। How's the beacon gonna hold three ice cream? Careful, your ice cream's melting. Be fast. Yeah. Finish next time buy a known, yeah, next time buy a known melting ice cream. भाई खाने पीने का भी इंतजाम है। तो हार्दिक जी अभी अपने को मीटअप में मिले थे, वहाँ बताया हार्दिक जी ने कि एक उत्तरायण ऐसे कुछ फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, काइट फेस्टिवल है। यहाँ पे वो वड़ा पाव है। अरे मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, सिर्फ पेचे लड़ाने आते हैं। हाँ, वो तो आते हैं। यस यस यस, एक जमाने में जब मैं नागपुर में रहता था, वहाँ पे बहुत उड़ाते थे पतंग, तो वहाँ पे मैंने सीखी थी। एक बंदा था हमारे पड़ोस में, वो ऐसे नीचे से लेके ना खींचा मारता था, तो ऐसे नीचे खींचा मारता था। उस टाइम ना अपनी लाइफ का सिर्फ एक एम होता था, इस बंदे की पतंग काटनी है। कटती नहीं थी यार, कटती नहीं थी, एक आध बार शायद। वो ऐसे मारता, आज वो वाली फोटो करते हैं ऋषि ऋषि। क्या करना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है यार? इससे बस वो ज्यादा कंट्रोल में रहती है, ऐसे करके ना हवा को ज्यादा कैच करती है। अगर पिच होगा, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज़ इट विल नॉट कट। सो ध्यान की मुद्रा में खड़ा हो जा, ऐसे कर ले। गिर गया उससे, बहुत बढ़िया यार ये। भाई साहब मुझे याद है जब ऐसे उंगलियां ना लाल हो जाती थी, फिर पे टेपे लगा लगा के उड़ाते थे, ऐसी छिल कट जाती थी उंगली। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। व्हाट? हां, सो जब ऊपर होते हो देन पुल इट स्लाइटली। देख लीजिए, गई 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 ऊपर ऊपर। देखो क्यूब मत भूल जाइयो अपना, आप तो एक सेकंड में इतनी ऊपर ले जाते हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है जो आप सिखा रहे हो। लाइफ लेसन जिंदगी का कि ढील दे दो, जाने दो, बहुत जरूरी है भाई, ढील दे दो, जाने दो। ओए चार इकट्ठी इकट्ठी फंसी हुई है, चार पतंगे इकट्ठी फंसी हुई है। कैसे दिखता भी कैसे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे हाँ हाँ सीट सीट, ये देख ये देख, इतना पतंग मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या दिख रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ये देख। भाई हमारी पीछे लेके जा रहा है भाई कोई, क्या कर रहा है अब? ऐसा मैं कह रहा हूँ पतंगे सबकी उड़ रही हैं, लेकिन उड़ा कौन किसकी रहा ये नहीं पता चल रहा। मैं तो एक कोई उड़ा रहा था, उन्होंने कहा हम तंग हो गए। अच्छा आप ले लो, उड़ती उड़ती ले लो। तो हमने तो पता नहीं कौन सी उड़ा रहे हैं। बस ये पता है कि डोरी में टेंशन है, ये पता कौन सी पतंग है ये नहीं पता। ओहो चीकू गुड डाइव। ओके नाउ साक्षी इज डूइंग द अनथिंकेबल, इसको सुलझा के मानेगी। जा रही है ये दोनों का तो आपस में कुछ चल रहा है, इनका पीछे लड़ गए एक्चुअली में। तो वैसे छोड़ भी दो तो भी कुछ होना नहीं, हमारी पतंग कोई और ही उड़ा रहा है, अब किसी के और में उलझ चुकी है। ये पतंगों का कोलैब चल रहा है आपस में। बड़े वापस वो आ जाएगी। ओके आजा आजा आजा, हमारी ना एक बहुत पुरानी फोटो है साक्षी और मेरी रोहतक में पतंग उड़ाते हुए की। वी आर गोना ट्राई रिक्रिएटिंग दैट वन। ओके लेट्स गो।
ओके जी, भूख भी लगाई है थोड़ी सी। यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह है, कुछ खाया जाए। थैंक यू फॉर कूपन्स हार्दिक जी ने अरेंज कराए हुए थे हमारे लिए। ये एक दाबली एक वड़ा पाव दोनों है। I'm gonna eat all of this। चाय भी नहीं ले रहे? चाय की कौन लाइन में लगेगा, चाय घर पिला दूंगी। चलो आप चाय घर पियेंगे? घर पिला दूंगी मैं तेरे को चाय। इधर चाय भी है लेकिन चाय की लाइन बहुत लंबी है क्योंकि टाइम पे गर्म नहीं हो रही। थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मेनी स्माइल्स एंड मोमेंट्स ऑफ जॉय। मैंने सोचा था जब हम नया घर लेंगे ना, दिस विल बी द फर्स्ट थिंग आई एम गोना बाय। मैंने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है कि मैं इनसे कॉन्टेक्ट करूंगी जब हम नया घर लेंगे कस्टम कराने के लिए। कस्टम कराने ये मेरे को कब से चाहिए थी, कब से आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द न्यू हाउस। भाई अभी तक का बेस्ट किसी ने हमारे को गिफ्ट दिया हुआ ना ये। साक्षी जो है ना, मतलब ये सोच रही थी कि नए घर लेंगे ना हम ये लगाएंगे। Time for an adventure. This inspires. This will keep inspiring us. Yeah. To travel more, to explore make more videos, adventure more. Yeah, and to make more videos. तेरे को ऐसे नहीं लगता गुड्डू? We don't deserve all this. Like we don't deserve. ऐसे नहीं लगता तेरे को? यार देखो लगता तो बहुत सरियल है, लगता तो है ही। बहुत सी चीजें ऐसी लाइफ में लगती हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। बट थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग दिस डे सच अ मेमोरेबल डे। वी डोंट डिजर्व एनी ऑफ दिस, बट जो हमारे को प्यार मिला है आज और सपोर्ट मिल रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा लगा सबसे मिलके, सबको पर्सनली। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत लोगों से बात होती है लेकिन पर्सनली मिलके इतना अच्छा लगा ना। और जब आप, और ऐसे लगता है कि आप ना कई लोगों को तो मुझे मिलके ऐसे लगा था मैं जानती हूँ यार, हम भी तो जानते हैं, मैं जानती हूँ इनको, इनसे तो बात होती रहती है। हाँ, क्योंकि कमेंट्स पे बात हो जाती है ना कई बार। थैंक यू सो मच एंड ये जो दर्पण ने जो ये दिया ना, ये तो दिल को छू गया है। मतलब हमारे से ना कनेक्ट हो रहा है ऐसे लग रहा है ये। और बहुत थॉटफुल गिफ्ट है ये हमारे लिए। एंड थैंक यू फॉर ऑल द गिफ्ट्स, थैंक यू फॉर ऑल द चॉकलेट्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। मत लाया करो यार पेस्ट्री वगैरह, मत लाया करो, मत लाओ। पेस्ट्री बहुत बढ़िया है।